Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is 7th lecture of halogen derivatives and we are going to continue chemical properties of halogen derivative. In today's lecture, we are going to study mechanism of SN1 and SN2 reaction. And this is most important lecture. Agar aap previous year ke papers nikal kar dekhoge, to every year इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है. सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो स्टार्ट करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट अलायंस एजुकेशन. अलायंस एजुकेशन हैज नाउ ब्रॉट एजुकेशन टू योर डोरस्टेप. वी हैव एडमिशंस ओपन फॉर बोथ ऑनलाइन एंड क्लासरूम प्रोग्राम्स. हाउ विल यू बेनिफिट? वी प्रोवाइड नोट्स, वर्कशीट्स एंड लेक्चर पीडीएफ विच हेल्प इन रिविजन. वीकली टेस्ट एंड क्विजेस keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. आइए start करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे what is mean by leaving group. So leaving group बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज SN रिएक्शन. SN रिएक्शन क्या होता है? इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, दिस इज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग इटसेल्फ. इस पे नेगेटिव चार्ज होगा. सो जब ये एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, जिसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, जब अप्रोच करेगा कंपाउंड को, सो कंपाउंड से एक यहां पे हैलोजन एटम जो है, दिस इज हैलोजन एटम. हैलोजन एटम डिटैच होगा कंपाउंड से. हैलोजन एटम डिटैच होगा एंड ये जो कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको साथ में लेके निकलेगा. ये जो हैलोजन है वो किस तरीके से रिमूव होता है, यहां पे आप देख सकते हो हैलोजन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है. सो हैलोजन जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास ले लेगा. सो ये ग्रुप को कहा जाता है लिविंग ग्रुप, जो ग्रुप कार्बन एटम से निकल रहा है. सो हम डेफिनेशन पे आते हैं. लिविंग ग्रुप इज अ ग्रुप विच लीव्स द कार्बन एटम बाय टेकिंग अवे द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया था और एक इलेक्ट्रॉन हैलोजन ने शेयर किया था. सो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकलेगा? हैलोजन. सो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो रहा है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज लिविंग ग्रुप. आई होप इतना क्लियर है. अब हम आ जाते हैं SN मैकेनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर. रिमेंबर होता क्या है यहां पर, जब कभी भी SN रिएक्शन होती है, सो SN रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है, SN रिएक्शन में सबस्ट्रेट की बात हो रही है. SN रिएक्शन मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सबस्ट्रेट मींस क्या होगा यहां पर? अल्किल हैलाइड. सबस्ट्रेट कौन है? अल्किल हैलाइड. सो इसके ऊपर दो चेंजेस होते हैं, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और दूसरा होता है बॉन्ड फॉर्मेशन. सो इसमें सबसे पहला चेंज जो है, सबसे पहले इसमें होता क्या है, सी एक्स बॉन्ड जो है, सी एक्स बॉन्ड का हेट्रोलिसिस, इसका हेट्रोलिसिस होगा. और हेट्रोलिसिस के वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड लिविंग ग्रुप मींस हैलोजन यहां पे से रिमूव होगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा. एंड देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कार्बोकटायन के ऊपर क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा. और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OH, हाइड्रोक्सिल आयन. न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा COH, मींस CX बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग. एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन. सेकेंड स्टेप में होता है बॉन्ड फॉर्मेशन. सो ये दो चेंजेस हो रहे हैं, हम स्टेप नहीं कह सकते हैं, दो चेंजेस हो रहे हैं. सो पहला चेंज क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, उससे
कंपाउंड का कन्वर्जन, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है कार्बोकटायन में, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो कार्बोकटायन है इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उससे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब आप सोचिए और बताइए इसमें से कि स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी हो सकती है। सो स्लोवेस्ट स्टेप कौन सी होगी जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सो अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो यहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी, देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिएक्शन में रिक्वायर्ड रहेगी। सो एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा। सो हम कह सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग इज द स्लोवेस्ट स्टेप। रिमेंबर, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसा स्टेप होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज द फास्ट स्टेप। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है? फास्ट स्टेप होता है। क्यों फास्ट स्टेप होता है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां पे एनर्जी इवॉल्व होती है। एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी, एनर्जी बाहर निकलेगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी इन्वॉल्व होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या हो रहा है? एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। ठीक है, एनर्जी इसमें से बाहर निकल रही है। सो इतना आपको समझ में आया, आई होप। अब स्लो स्टेप, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। सो यहां पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन का रेट जो है, कि रिएक्शन कितनी फास्ट होने वाली है, ये कौन से सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उन सबस्ट्रेट पे जो स्लोवेस्ट स्टेप में प्रेजेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन किससे हम बता सकते हैं? स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग वाली स्टेप। सो बॉन्ड ब्रेकिंग की स्टेज में जो सबस्ट्रेट यहां पे प्रेजेंट है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसीलिए स्लो स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे क्या कहा जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि स्लो स्टेप में जो रिएजेंट प्रेजेंट है उनके ऊपर रेट डिपेंड करता है, और हम स्लो स्टेप में पता कर सकते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां पर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम इसे कहते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आया। सो रेट ऑफ रिएक्शन अगर एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, हम यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं, कि रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। सो किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट के ऊपर। अगर एक ही सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट एक ही है, तब ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? यूनिमोलिक्यूलर। एंड अगर सबस्ट्रेट दो प्रेजेंट है, तब ये कहलाएगा बायमोलिक्यूलर। सो इतने नॉलेज के बेसिस पे हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, SN2 का फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। सो रिमेंबर, SN2 रिएक्शन देता कौन है? SN2 रिएक्शन हमें डेफिनेटली, हम बेसिकली यहां पे कौन सी रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं? यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड, मींस यहां पे अल्किल हैलाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन है इसलिए OH ग्रुप रहेगा। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ROH फॉर्म होगा, और हैलाइड ग्रुप बाहर निकलेगा। सो ये रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। सो इस रिएक्शन को टू कैटेगरी में रखा हुआ है, SN2 और SN1। सो रिमेंबर, अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है रिएक्शन SN1 है या SN2 है। अगर अल्किल हैलाइड प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, ये कैसा अल्किल हैलाइड है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, तब ये रिएक्शन होती है SN2, रिएक्शन रहेगी SN2। बट अगर ये टर्शरी अल्किल हैलाइड है, तब रिएक्शन होती है SN1, तब ये कहलाएगा SN1 रिएक्शन। एंड सेकेंडरी के केस में SN1 भी हो सकता है या SN2 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। बट हम मेनली फोकस करेंगे फिलहाल प्राइमरी और टर्शरी पे। सो आ जाते हैं हम रिएक्शन के ऊपर। यहां पे दिया हुआ है कि मिथाइल ब्रोमाइड एंड
हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के बीच में रिएक्शन होके हमें क्या मिल रहा है, मिथेनॉल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि दिस इज व्हाट, मिथाइल ब्रोमाइड। सो मिथाइल ब्रोमाइड जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे मिथेनॉल फॉर्म हो रहा है। सी, ब्रोमीन ग्रुप रिमूव हो जाएगा एंड मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पर जब इसकी काइनेटिक स्टडी की गई, काइनेटिक स्टडी करने के बाद पता चला कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है टू मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू डिफरेंट रिएजेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मीन्स इट इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये कौन सा काइनेटिक फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टडी करने के बाद समझ जाओगे। फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान में रखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बता रहा है, कि यहां पर कितने मॉलिक्यूल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो एक मिथाइल ब्रोमाइड इटसेल्फ और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन। सो दोनों के ऊपर, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो दोनों के पावर का सम क्या है, 1+1 2। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो रिमेंबर यहां पे लिखा जाता है कि रेट इज प्रपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हम कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। सो हाइड्रोक्साइड आयन एंड मिथाइल ब्रोमाइड दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट प्रपोर्शनल है, और प्रपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तब यहाँ पे आता है कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे CH3Br एंड OH। सो इस तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हम पढ़ रहे हैं SN2, एंड SN2 में हम कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। सो मिथाइल ब्रोमाइड से मिथेनॉल फॉर्म हो रहा है, और ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो किया जा रहा है। सो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि अब SN2 मैकेनिज्म है। सो मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों रिएजेंट यहां पे प्रेजेंट है। सो रेट क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कौन सी स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे दोनों रिएजेंट प्रेजेंट है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में दोनों रिएजेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। मींस रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है। रिएक्शन कितनी स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप में हो रही है। एंड यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साइमल्टेनियस हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों कैसे हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियस एक ही स्टेप में हो रहा है। सो आपको इतना समझ में आया कि SN2 रिएक्शन है, ये हमें काइनेटिक स्टडी से पता चलता है। इससे हमें समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब दोनों रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन में रेट डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज स्लोवेस्ट स्टेप। यहाँ पे दोनों रिएजेंट प्रेजेंट है, दोनों रिएजेंट प्रेजेंट है, मतलब एक रिएजेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तब दूसरा रिएजेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। सो इसका मतलब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, और बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है। सो हम देखते हैं इसे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं येल्लो कलर से हमें दिख रहा है ब्रोमीन। सो दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, दिस इज सपोज मिथाइल ब्रोमाइड। वैसे ये स्ट्रक्चर इथाइल का है, बट सपोज इस कार्बन को हम नहीं कंसिडर करते। सो ये अगर इथाइल भी हम ले रहे हैं तो इथाइल भी तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। सो दिस इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। सो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में ये ब्रोमीन जो है, आप ब्रोमीन देख पा रहे हो यहाँ पर येलो कलर में, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रोमीन। एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH। रेड कलर में आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर अब रिमेम्बर येलो कलर में ब्रोमीन है, एंड ब्रोमीन और ऑक्सीजन आप साइज कंपेयर कर सकते हो दोनों के। ब्रोमीन इट इज ह्यूज एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोटा एटम है और ब्रोमीन बड़ा एटम है। सो इसका बल्कीनेस के वजह से, बल्की होने के वजह से, जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप ब्रोमीन के पास से अप्रोच करेगा, ब्रोमीन का नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल का नेगेटिव चार्ज, दोनों में रिपल्शन होगा। और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर को ही अपने पास खींचेगा।
इस वजह से ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने बैक साइड से अटैक किया, सो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। इस स्टेज को कहेंगे हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, जैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जितनी एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसे कहा जाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिलने पे यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, अब जो ब्रोमीन है ब्रोमाइड रिमूव होने लगेगा, ब्रोमाइड यहां से रिमूव होगा। और आप देख सकते हो रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पे प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक रहेगी एंड प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा एनर्जी ऑल ऑफ अ सडन डिक्रीज हो जाती है। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है, सो जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर। सो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है, इसका मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। सो हमने ये जो कुछ भी देखा है इसे अच्छे से समझते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। हमने ये पहले ही देखा है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऐसी केमिकल स्पीसीज पे जो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। अब जो हम रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं स्लोवेस्ट स्टेप में, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। कौन से दोनों रिएक्टेंट, मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो इसका मतलब रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है जिसको हम स्लो स्टेप कहेंगे, एंड इट मींस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दोनों कैसे हो रहा है, एक साथ हो रहा है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रोमीन यहां पर है, ब्रोमीन आगे होने के वजह से ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है उसे बैक साइड से अटैक करेगा, एंड बैक साइड से अटैक कर रहा है सो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है OH के बीच में, एंड पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ब्रोमीन के साथ। सो ये कहलाएगा ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। देन क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमाइड आयन अलग निकल जाएगा एंड यहाँ पर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो आप देख सकते हो ये सब कुछ सिंगल स्टेप में हो रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में गया, ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ एंड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा मीन्स ब्रोमाइड आयन अलग निकलेगा एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वैसे ही एनर्जी कम हो जाती है। सो दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। आपको शायद इसका एनर्जी भी समझ में आया कि एनर्जी चेंजेस कैसे हो रहे हैं। सो हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके सेलियंट फीचर्स भी हम देखते हैं। सबसे पहला तो ये है कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। देन सेकेंड सेलियंट फीचर दिया हुआ है बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, बैक साइड से। क्यों बैक साइड से अटैक कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप के बल्किनेस के वजह से यहां पे रिपल्शन होगा। इसे कहा जाता है स्टेरिक रिपल्शन। सो स्टेरिक रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए बैक साइड से अटैक होगा। देन इन द ट्रांजिशन स्टेट न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप आर बॉन्डेड टू कार्बन विथ पार्शियल बॉन्ड एंड कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं एंड पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसके वजह से क्या होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज डिफ्यूज रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बॉन्ड फॉर्म हुआ है और बॉन्ड ब्रेक भी हुआ है, सो दोनों पार्शियली हुआ है। सो इस वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल पे रहेगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे रहेगा, और नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन पे रहेगा, सो पार्शियल चार्जेस के वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज डिफ्यूज्ड रहेगा। एंड रिमेम्बर ट्रांजिशन स्टेट में इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, हम उस पर फोकस करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कंटेन पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जिसपे जिसने फाइव बॉन्ड बनाए हैं
ऐसे तीन हाइड्रोजन रहेंगे मिथाइल के तीन हाइड्रोजन रहेंगे। उसके बाद यहां पर ब्रोमीन कैसा रहेगा, यहां पर ब्रोमीन रहेगा, पार्शियल बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा ब्रोमीन के साथ, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होगा। सो यहां पे हम देख सकते हैं, तो रिमेंबर यहां पे ज्योमेट्री समझने की कोशिश कीजिए। इन इन दिस स्टेज, ये ट्रांजिशन स्टेज में स्ट्रक्चर है कि पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन जो है, पेंटा कोऑर्डिनेट इसलिए कहा है क्योंकि फाइव बॉन्ड्स बनाया है। यहाँ पे थ्री सिग्मा बॉन्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ थ्री सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। सो थ्री सिग्मा बॉन्ड इन वन प्लेन, ये एक प्लेन में आ जाते हैं। हमने इसे सिंगल लाइन से डिनोट किया है, इट मीन्स ये प्लेन ऑफ पेपर में है। अगर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये आपको आप समझिए इसे कि ये प्लेन ऑफ स्क्रीन पे है, और मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये कितना एंगल बना रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड टू पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड कौन से, OH और ब्रोमीन, पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड अलॉन्ग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इस प्लेन को आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर है OH का बॉन्ड और ब्रोमीन का बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे समझने के लिए बताया कि सपोज OH स्क्रीन के पीछे है और ब्रोमीन स्क्रीन के आगे है, इट इज टूवर्ड्स यू, ये आपके तरफ है। तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है ट्रांजिशन स्टेट में। सो कार्बन को क्या कहा गया है, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे फाइव बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, थ्री सिग्मा बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, जो प्लेन एक प्लेन में आ रहे हैं, सपोज प्लेन ऑफ पेपर में है, एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंड OH ग्रुप एंड ब्रोमीन ग्रुप ये जो है, ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर अलाइन हो रहे हैं। परपेंडिकुलर मीन्स OH स्क्रीन के पीछे है सपोज, तो ब्रोमीन स्क्रीन के आगे है। सो इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर SN2 में, ये तो हमने अभी मिथाइल ब्रोमाइड की बात की, तो मिथाइल ब्रोमाइड तो ये इसमें कायरल कार्बन नहीं था, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन सपोज SN2 रिएक्शन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का हो रहा है। सो हमने देखा था कि बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, सपोज सी आपके लिए मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बना दिए हैं कि हमने देखा, जैसे आप देखो सपोज ये कायरल कार्बन होता, सो ब्रोमीन जिस साइड पे है उसके ऑपोजिट साइड में OH अटैच हुआ है, और OH अटैच हुआ है, एंड इसका जो कॉन्फिग्रेशन है पूरा चेंज हो गया है। सो सपोज ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉन्फिग्रेशन था, सपोज दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉन्फिग्रेशन, तो ये तो उसका उल्टा ही हो गया, मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है। सो ये कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी, इट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल के वजह से हम क्या देख पा रहे हैं यहां पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, जिसे हम वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। रिमेंबर इट इज जस्ट लाइक फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला, कि अम्ब्रेला एकदम उल्टा हो गया। सो इस तरीके से ये दिखाई देगा। रिमेंबर ब्रोमीन जिस साइड में है उसके बैक साइड से OH ने अटैक किया, और बैक साइड से अटैक करने के वजह से यहाँ पे कॉन्फिग्रेशन का इन्वर्जन हो रहा है, कॉन्फिग्रेशन उल्टा हो जा रहा है, इसे वॉल्डन इन्वर्जन कहा जाता है। एंड इसमें अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट होता तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो जाती, चेंज हो जाती, अगर वो लीवो रोटेटरी है तो वो हो जाता डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। अब हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की। SN1 मैकेनिज्म मैंने पहले ही बताया है, SN1 मैकेनिज्म कौन देगा, टर्शरी अल्किल हलाइड। सो यहां पर बात कर रहे हैं हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। रिमेंबर SN1 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है, एंड यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। किसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, क्योंकि इसके पावर में कॉन्सेंट्रेशन में वन है, सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन इस केस में हम लिखेंगे वन, इट इज यूनिमोलिकुलर। सो इसका मैकेनिज्म स्टडी करने पे क्या पता चलता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि दो प्रोसेस होती है, दो चेंजेस आते हैं कोई भी सबस्ट्रेट में, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, दूसरा होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। सो बॉन्ड ब्रेकिंग इज द स्लोवेस्ट स्टेप एंड इट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम पे जो जो रिएजेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखा गया है कि बॉन्ड ब्रेकिंग पे जस्ट एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए SN1 रिएक्शन जो है, SN1 मैकेनिज्म टू स्टेप में हो रहा है। यहाँ पे कितने स्टेप में हो रहा है, टू स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप रहेगा बॉन्ड ब्रेकिंग का और दूसरा स्टेप रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन का। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते एक बार कि इट कैन बी सीन इन दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन ओनली सबस्ट्रेट अपियर इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में हम एक ही सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन देख पा रहे हैं। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल डज नॉट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट। न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड बाय टू स्टेप मैकेनिज्म। तो दोनों के बीच में रिएक्शन में कितने स्टेप हो रहे हैं, टू स्टेप मैकेनिज्म है। पहला स्टेप रहेगा स्लो स्टेप जिसमें हेट्रोलाइसिस होगा, हेट्रोलाइसिस में CX बॉन्ड ब्रेक होगा। एंड सेकेंड स्टेप रहेगा फास्ट स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ में। सो, कुछ इस तरीके से होगा। आप यहां पे देख सकते हो कि पहले स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देख रहे हैं आप येलो कलर में ब्रोमीन रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमीन यहाँ पे निकल गया एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन जब फॉर्म हो रहा है तब ज्योमेट्री प्लानर हो रही है, आप देख सकते हो पहले ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल दिख रही है। देन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रोमाइड आयन रिमूव हो रहा है, ब्रोमाइड के रिमूवल के साथ इसकी ज्योमेट्री क्या हो रही है, ज्योमेट्री प्लानर होने लगी है एंड कार्बोकटायन फॉर्म हुआ। एनर्जी चेंजेस कैसे है, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग में ट्रांजिशन स्टेट में गया एंड जैसे ही उसे पूरी एनर्जी मिल गई, बॉन्ड पूरा ब्रेक हो गया, एनर्जी लो होगी एंड फिर भी कार्बोकटायन की एनर्जी ज्यादा ही रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है एनर्जी ऑफ कार्बोकटायन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये जो कार्बोकटायन फॉर्म हो गया है इसकी ज्योमेट्री प्लानर दिख रही है, अब ये सेकेंड स्टेप में इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल एंड बॉन्ड फॉर्म होगा। और बॉन्ड फॉर्म होने के बाद आप देख सकते हो एनर्जी सबसे कम हो जाती है, मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो स्टेबल प्रोडक्ट है। सो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। क्यों स्लो स्टेप, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, शेयर्ड पेयर ब्रोमीन ले लेगा इसलिए हम इसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। अब यहां पे फॉर्म हुआ कार्बोकटायन, ज्योमेट्री प्लानर, कार्बोकटायन पे सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अटैक किया, अटैक करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से टू स्टेप में रिएक्शन हो रही है। सो ओवरऑल हमने जो देखा, सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में गया, ब्रोमाइड आयन रिमूव हुआ, कार्बोकटायन फॉर्म हुआ। अब कार्बोकटायन जो है ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करेगा ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो एनर्जी फिर से बढ़ती है एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो एक बार अच्छे से इसे देख लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, देन देयर इज सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी ट्रांजिशन स्टेट आती है, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होता है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद एनर्जी कम हो जाती है। सो इसके सेलियंट फीचर्स हम देखते हैं, टू स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहली स्टेप में क्या हो रहा है, हेट्रोलाइसिस हो रहा है CX बॉन्ड का एंड रिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म प्लानर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल हो सकती है एंड यहां पे जो कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसकी ज्योमेट्री है प्लानर। देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कोई लिमिटेशन है क्या कि एक ही साइड से अटैक कर सकता है जैसे SN2 के केस में था, नहीं, यहाँ पे वो कहीं से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड अटैक जहां पे ब्रोमाइड था पहले वहां से भी अटैक हो सकता है या बैक साइड अटैक भी हो सकता है।
सो रिमेंबर, अगर फ्रंट साइड अटैक होता है सो जो कॉन्फ़िगरेशन था वही रिटेन होगा, लेकिन बैक साइड अटैक होगा तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो क्या रहेगा, रेसेमिक मिक्सचर रहेगा। रिमेंबर यहाँ पे SN1 में जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो नियरली कैसा होता है, रेसेमिक। क्यों रेसेमाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें इनैंशियोमर ऑफ प्रोडक्ट तैयार होते हैं। आधा प्रोडक्ट जो है वो फ्रंट साइड अटैक से बनता है, आधा प्रोडक्ट बैक साइड अटैक से बनता है। इसके वजह से इनैंशियोमर तैयार होते हैं और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो रेसेमिक मिक्सचर होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है तो आप गिवन मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं या कॉल गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।